नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार आजकल और मैं हूं अंजलि। मैं हूं अक्षय। स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए एपिसोड में। आइए डालते हैं एक नजर आज के अखबारों पर और देखते हैं क्या खास खबरें हैं आज के अखबारों में। आज के अखबारों में एक बहुत ही अहम खबर है 2G घोटाले से जुड़ी हुई। इस खबर को दैनिक जागरण ने अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, JPC के सामने पेश हो मनमोहन। 2G घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति JPC में अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदम्बरम को बुलाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। समिति में विपक्ष खासतौर पर भाजपा के सदस्यों का मानना है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए PMO और 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के फैसले से जुड़े वित्त मंत्रालय के सभी तत्कालीन अफसरों की गवाही भी जरूरी है। इसी खबर को लेकर दैनिक भास्कर ने पेज नंबर 5 पर लिखा है, JPC में हंगामा, PM को बुलाने की मांग। और वहीं अगर नजर डालें नव भारत टाइम्स की हेडलाइन पर तो ये कहती है, 2G पर JPC बैठक में तीखी बहस, BJP की मांग PM और PMO के अफसर तलब हो। तो 2G घोटाले में एक नया मोड़ आ गया है, बहुत सनसनीखेज मोड़ आ गया है कि जो कांग्रेस है वो रफा दफा करना चाहती है। जो JPC कमेटी पूरी बनी थी इसी मुद्दे पर बनी थी कि जो हाईएस्ट एकलॉन्स ऑफ पावर है हमारी कंट्री में, हाईएस्ट मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या टेलीकॉम मिनिस्ट्री हो, उसकी निष्पक्ष जांच हो सके एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। बट अब जो है वो जो PC चाको हैं, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि अब जो है नो मोर पॉलिटिकल पीपल वुड बी asked to come up as witnesses. And Anjali, this news has been picked up by the English newspapers also. The Pioneer has written, United Opposition foils Chako game plan. Members trade barbs over calling PM Chidambaram to depose before JPC. The United Opposition on Tuesday scuttled the Congress game plan of trying to shield Prime Minister Manmohan Singh and Home Minister P. Chidambaram from deposing before the Joint Parliamentary Committee on 2G scam. The JPC meeting convened to cut short the list of witnesses by keeping out ministers and former ministers saw heated exchanges when BJP members led by Yashwant Sinha insisted on summoning Prime Minister and Chidambaram. Congress members J.P. Agarwal and Manish Tiwari countered that former finance and telecom ministers during NDA regime should also be summoned. To this, BJP members pointed out that they had already accepted that the former finance and telecom ministers during the NDA tenure could be summoned to depose before the JPC. So basically, Anjali, what's happening is that the NDA ministers, which are also one of the part of the JPC, have accepted that you can investigate us. But the problem is coming with the present ministry, the telecom ministry or the finance ministry, where P. Chidambaram or for that matter A. Raja are not ready to depose before the JPC, and the Congress wants to cut this short in a haste. So, अगर आप पूरी तरह से पाक साफ हैं, तो आप investigation से क्यों डर रहे हैं? जिस तरह NDA ने कहा है कि वो बुलाए जा सकते हैं, उनके जो भी मंत्रिमंडल के लोग थे उस समय के, उन्हें इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, तो यूपीए गवर्नमेंट के मंत्रियों को सामने आने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? किस लिए वो रुक रहे हैं? अगर आप सच्चे हैं तो आप पर कोई आरोप नहीं। देखिए, जिस तरह से जो मनीष तिवारी जी जो है, जो इसमें न्यूज छपी है, उनने कहा था कि अगर आप यूपीए के मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो एनडीए के मिनिस्टर्स की भी हम बात करेंगे, हम सुषमा स्वराज की बात करेंगे, हम यशवंत सिन्हा की बात करेंगे या जसवंत सिंह की बात करेंगे। तो उसके जवाब में एनडीए के जो मेंबर्स थे बीजेपी के खास तौर पर, उन्होंने कहा था हम तो रेडी हैं, बिल्कुल, आप हमें इन्वेस्टिगेट करिए। बट वहीं पे अगर कांग्रेस शील्ड कर रही है तो जरूर ऐसा लगता है कि कुछ दाल में काला है। जैसे आपने कहा कि अगर पाक साफ है तो डरना किस बात का। बिल्कुल। तो देखते हैं 2G घोटाले में क्या नया मोड़ आता है, पी चिदम्बरम और प्रधानमंत्री JPC के सामने उपस्थित होते हैं या नहीं। और अक्षय, कांग्रेस के शासन में जो भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है, दिन ब दिन इतने सारे घोटाले सामने आए हैं, इसको लेकर भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार से पैदा हुई है, भ्रष्टाचारियों के लिए है और भ्रष्टाचारियों द्वारा पोषित है। उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है और रुपए का लगातार अवमूल्यन हो रहा है और महंगाई दर बढ़ती जा रही है। This is some kind of a fair criticism of the government, because on one hand you are indulged in all kind of corruption scandals. On the other hand, you are not able to revive the economy. Economy is going to a very steep low. You cannot revive the employment packages for the country. So, such kind of criticism has to be countered against
द गवर्नमेंट। और अपनी इसी बात में उन्होंने 22 जून को जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जेल भरो आंदोलन किया जाएगा उसको भी इंक्लूड करा है, क्योंकि उस आंदोलन का एक मुद्दा है बढ़ती हुई महंगाई और देश में बढ़ता भ्रष्टाचार। तो महंगाई और भ्रष्टाचार के ये जो मुद्दे हैं, विपक्ष ने इसके खिलाफ अपने सुर तीखे कर लिए हैं और वो अपना आंदोलन जारी रखेगी जब तक कि वो इन बुराइयों को देश से हटा नहीं लेती है। और इसके बाद आज की जो अगली खबर है वो दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर है। जिस तरह से पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं दिल्ली में लोगों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, उसी को लेकर एक खबर है। अमर उजाला के पेज नंबर 3 पर अमर उजाला ने लिखा है, सड़कों पर फूटा प्यासी दिल्ली का गुस्सा, पेयजल किल्लत के विरोध में जगह जगह लोगों ने किया प्रदर्शन, लोगों ने कई जगह पर जनप्रतिनिधियों के पुतले जलाकर मटके फोड़े। और इसी खबर से जुड़ी एक और खबर है दैनिक जागरण के पेज नंबर 2 पर, हरियाणा के अधिकारियों कर्मचारियों का पानी बंद। पानी के मुद्दे पर दिल्ली और हरियाणा के बीच जारी तकरार की सजा राजधानी में रहने वाले हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को भुगतनी पड़ रही है। 4-5 दिनों से इनके घरों में पानी की आपूर्ति बंद है। इनका आरोप है कि एक ओर दिल्ली सरकार हरियाणा से पानी देने की मांग कर रही है और दूसरी ओर उसके ही अधिकारियों और कर्मचारियों की जलापूर्ति जानबूझकर ठप कर दी गई है। तो हरियाणा से दिल्ली सरकार पानी मांग रही है और उनके मंत्रियों को पानी नहीं दे रही क्योंकि हरियाणा सरकार दिल्ली को पेयजल की आपूर्ति नहीं कर रही है। बहुत ही ऐसे नर्सरी क्लास के बच्चे जैसे खेलते हैं ना, ऐसा कुछ पॉलिटिक्स चल रहा है। बहुत ही नाटकीय ढंग से चीजें सामने आ रही है दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर। और पानी की इसी किल्लत के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है विपक्ष ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने, उसको लेकर एक खबर है राष्ट्रीय सहारा के पेज नंबर 7 पर, पेयजल की मौजूदा स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेयजल की मौजूदा स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने व इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग की है। इस मुद्दे पर सरकार की असफलता को लेकर भाजपा कार्यकर्ता 22 जून को दिल्ली भर में धरना प्रदर्शन कर गिरफ्तारी देंगे। अमर उजाला ने भी इस खबर को रिपोर्ट करा है। अमर उजाला ने लिखा है, पानी के लिए 22 को जेल भरेगी भाजपा। भाजपा ने सरकार पर पानी के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया है और जंतर मंतर से पीएम निवास तक पदयात्रा करेंगे भाजपा के कार्यकर्ता और 22 जून को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा। अंजलि, इनफैक्ट नॉट ओनली दिल्ली गवर्नमेंट बट ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हाईली कॉर्नर्ड ऑन द इश्यू ऑफ गवर्नेंस एंड गवर्नेंस इन टर्म्स ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। नाउ द इंडियन एक्सप्रेस हैज रिपोर्टेड अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एन अनफॉर्चुनेट न्यूज ऑब्वियसली व्हिच हैज सेड कोल सप्लाई लो, पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ ओवर 32,000 मेगावाट्स शेल्व्ड एंड डिलेड। The Indian Express, right? For Prime Minister Manmohan Singh, this could be the biggest infrastructure bottleneck to overcome. Over 32,000 megawatts of upcoming coal-fired thermal power generation capacity has either been shelved or simply put on hold by project developers until June this year. This is about 50% of the government's estimated capacity addition for the 12th year plan. So Anjali, there seems to be a very huge electricity crisis which is going to be faced by the citizens of this country, because 32,000 megawatts of power projects have been shelved. And on infrastructure development, if you do not have electricity, how will you make sure that you have fulfilling capacity for industrial growth? How do you make sure you have fulfilling capacity for normal citizens? So again, in terms of infrastructure economy, the government seems to be highly cornered. तो दिल्ली तो जूझ ही रहा है बिजली और पानी की किल्लत से। अब इस न्यूज के मुताबिक पूरे देश में बिजली का संकट गहराने वाला है। बिल्कुल। Moving on, the news coming from Pakistan, where the Supreme Court has dismissed the prime ministerialship of Yusuf Raza Gilani, has found space in all the English newspapers and has found the space in terms of being the main headlines. The Hindu has written, Supreme Court strips Gilani of prime ministership. The Indian Express writes, Pak Supreme Court sacks PM Gilani. The Indian Express continues to write, Cease to be PM on April 26, says court. Replacement likely to be named today. The Supreme Court of Pakistan today disqualified Prime Minister Yusuf Raza Gilani from Parliament and ruled that he had ceased to be in office since April 26 when it convicted him of contempt. The Pakistan People's Party accepted the court's verdict and is expected to meet tomorrow to name a replacement. Ministers Chaudhry Ahmed Mukhtar, Makhdoom Shahabuddin and Khurshid Shah
was said to be among the contenders. So a domestic political crisis seems to be having erupted in Pakistan. अक्षय सिर्फ अंग्रेजी के अखबारों ने ही नहीं हिंदी के अखबारों ने भी इस खबर को बहुत प्रमुखता के साथ छापा है. लगभग हर अखबार के फ्रंट पेज पर इस हेडलाइन को जगह मिली है. इसी खबर को लेकर अमर उजाला कहता है यूपी की नजीर पर गिलानी गेट आउट. पाक पीएम पर सुप्रीम कोर्ट की गाज अयोग्य करार. खास बात यह है कि गिलानी की संसद सदस्यता को खारिज करते हुए पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के दो राजनीतिक मसलों पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों का हवाला दिया है. ये मामले हैं राजेंद्र सिंह राणा बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य और जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य. तो इस खास बात को लेकर ये हेडलाइन लिखी है अमर उजाला ने कि यूपी की नजीर पर गिलानी को गेट आउट किया गया है. तो अंजलि कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है उनके अपने प्रधानमंत्री पद को छीनने के पीछे कहीं ना कहीं तार जो है वो भारतीय न्यायालय के द्वारा निकलते हैं. बिल्कुल. और दैनिक जागरण की अगर हेडलाइन पर गौर करें, दैनिक जागरण ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट से रार में गिलानी की कुर्सी गई. शीर्ष अदालत ने अवमानना मामले में दोषी गिलानी को अयोग्य ठहराया. खत्म होगी संसद सदस्यता, 5 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव. तो अब गिलानी 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनकी संसद सदस्यता भी खत्म हो गई है और उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है. अंजलि, बट द गुड न्यूज फॉर द पाकिस्तानी स्टेट इज दैट द एग्जीक्यूटिव व्हिच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द रूलिंग पार्टी हैज नॉट डिफाइड द ऑर्डर्स ऑफ जुडिशियरी. They have acknowledged and they have accepted the orders of judiciary. So there seems to be some kind of political revival and political maneuvering of Pakistan seems to be getting a new dawn where executive and judiciary are in some kind of balance with each other and they're accepting each other's decisions. और अक्षय, आज की हमारी जो आखिरी न्यूज है वो फिर से देश में सड़ते हुए अनाज की समस्या को लेकर है. दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर ये न्यूज है, 1.25 करोड़ टन अनाज बर्बादी के कगार पर. हाल की बारिश में भीगा 1 लाख टन खाद्यान्न. अकेले हरियाणा में 44 लाख टन गेहूं खुले में पड़ा हुआ है. तो गेहूं और धान की जो लगातार देश में समस्या बढ़ती जा रही है, खाने की चीजें महंगी हो रही हैं, लोगों को खाना उपलब्ध नहीं है. वहां पर रोज एक नई खबर आ रही है कि किसी राज्य में अनाज सड़ रहा है, किसी राज्य में इतने करोड़ अनाज बर्बाद हो चुका है और अभी तक भंडारण की कोई व्यवस्था रोज नहीं है. ये खबर आ रही है कि 1 लाख टन और सड़ गया, 2 लाख टन और सड़ गया, 3 लाख टन और सड़ गया. अब छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं सड़ रहा है, लाखों टनों की क्वांटिटी में सड़ रहा है. तो जिस तरह से पंजाब हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश या राजस्थान, हर प्रदेश में अनाज के सड़ने की खबर आ रही है, सरकार की तरफ से कब इस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे और कब भंडारण की एक सही व्यवस्था की जाएगी, ये देखना होगा. अंजलि, ऐसा लगता है कि सरकार कुछ कर ही नहीं सकती है इस पे. ऐसे जैसे होता है ना कोई ऐसा रोबोटिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन है जिसमें हमारे पास कुछ हाथ में है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते. ऐसा नहीं है. यू नीड टू हैव बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज. अब उसके लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे. अब उस कदम उठाने के लिए आपके पास एक विजनरी कमिटेड लीडरशिप होनी चाहिए, बट आपके पास लीडरशिप ही नहीं है. अब अजीम प्रेम भी तो खुद ही कहते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो लीडरलेस है, बिना लीडर के चल रही है, बिना लीडर के चल रही है. तो उस सिचुएशन में ऐसी जो गवर्नेंस पे आपके अटैक्स होंगे वो तो होंगे. तो इसी न्यूज के साथ आज की समाप्ति करते हैं हम अपने इस प्रोग्राम की. आपसे मुलाकात होगी हमारे एक नए अंक के साथ. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. नमस्कार. नमस्कार.